अरे यार लाइट चली गई। तो थैनोस कब काम आएगा? थैनोस फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर। अरे यार ये भी काम का नहीं है, तो अब अपना देसी जुगाड़ी लगाना पड़ेगा। बैक ओके ओके ओके। आज मैं एक 12,999 वाले स्मार्टफोन को एक 14,999 यानी कि 15,000 रुपीज वाले स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाला हूँ। ये कैसा कंपैरिजन है? 12,999 वाला स्मार्टफोन क्या 15,000 रुपए के वाले स्मार्टफोन को टक्कर दे पाएगा? Well, यही तो जानना है इस वीडियो में। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एक फोन है Moto G31 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। दूसरा फोन है Xiaomi का Redmi Note 10S जो अंडर 15,000 रुपीज में यानी कि 15,000 में काफी पॉपुलर फोन है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन ना हो, ये हो नहीं सकता। तो दोनों के बीच में लोग कंफ्यूज भी हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करना मेरा काम है। नाम तो सुना होगा, जानता मैं कौन हूँ? अरे मेरा मनोज सारू। फर्स्ट डिस्प्ले कंपेयर करते हैं। जो Moto G31 है इसमें 6.43 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले है एंड 12,999 पे आज के समय में सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और इस प्राइस पॉइंट पे आई थिंक मेरे ख्याल से Motorola ने बहुत बढ़िया काम किया है सुपर AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड करके। क्यों? सही कहा ना मैंने? सही बात है। अगर आप Moto G31 के डिस्प्ले को देखोगे तो डिस्प्ले स्क्रीन साइज में काफी बड़ा है, सुपर AMOLED डिस्प्ले है। और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में मैंने डिस्प्ले को चेक करा, जो डिस्प्ले है वो ब्राइट इनफ है। जो वेइंग एंगल से जो कलर रिप्रोडक्शन है फोन के डिस्प्ले में वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। वहीं पर अच्छी बात यह है कि Redmi Note 10S में भी आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है और ये भी 6.43 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है एंड इसकी भी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। कलर्स आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। इवन आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में भी जो डिस्प्ले है वो ब्राइट है, विंग एंगल्स भी आपको बढ़िया मिल जाते हैं। डिस्प्ले मुझे दोनों का ऑलमोस्ट सेम लगा। एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, अगर आप 15,000 रुपए के अंडर फोन देखते हो तो 15,000 रुपए में आपको ज्यादातर एक IPS LCD वाले डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। बट जो Redmi Note 10S है ये कुछ चुनिंदा फोनों में से एक है जो आपको एक सुपर AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है अंडर 15,000 रुपीज में। बट उससे भी अच्छी बात यह है कि 12,999 में Motorola ने एक सुपर AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड किया है। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलना एक बहुत बड़ी बात है, इनफैक्ट एक प्लस पॉइंट है। डिजाइन एंड बिल्ड, Note 10S का जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट है, ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है बट इसमें फिंगरप्रिंट के निशान आ जाते हैं। Moto G31 का भी जो बैक साइड है ये पॉलीकार्बोनेट है लेकिन ये स्किड एंड फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट के साथ आता है। इसमें पैटर्न दे रखा है जिसकी वजह से इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, ये अच्छी बात है। ऐसे साउंड करता है ये डीजे राजेश, नहीं काम पे आते हैं। Moto G31 का जो बैक साइड है ये रिफ्लेक्टिव है, मतलब इस पर अगर किसी भी तरह की लाइटिंग पड़ती है तो यहाँ पर आपको थोड़े से डिफरेंट पैटर्न्स कलर्स देखने को मिल जाते हैं। इन हैंड फील दोनों का ही बढ़िया है बट फोन थोड़ा सा लाइट वेट Moto G31 फील होता है। Moto G31 में आपको IPX2 वाटर रिपेलेंट मिल जाता है। दोनों में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक है। Note 10S में साइड माउंटेड है, Moto G31 में रियर साइड में। Note 10S में प्लस पॉइंट है कि इसमें स्टीरियो स्पीकर है, Moto G31 में सिंगल स्पीकर है। ये स्टीरियो स्पीकर पहले प्ले करते हैं, ये 100% वॉल्यूम है। अब सिंगल स्पीकर को प्ले करते हैं, अब कंपेयर करते हैं। पता ही होगा आपको, How the hell did you know that? यार मेरे वीडियोस देखते तो आपको पता ही होगा। कैमरा G31 में आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आपको दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रखा है जो दोनों के लिए यूज होगा, अल्ट्रा वाइड एंगल और डेप्थ सेंसर के लिए, और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा दे रखा है। Note 10S में आपको 64 मेगापिक्सल वाला क्वाड कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल और वही बाकी 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो। दोनों में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। 31 में आपको 20 वॉट का चार्जर मिलता है, Note 10S में आपको 33 वॉट का चार्जर मिलता है। Note 10S में यस थोड़ा सा ज्यादा वॉट का चार्जर मिलता है, ये प्लस पॉइंट है। बट एक बिगेस्ट प्लस पॉइंट Moto G31 में है, इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है, नो एड्स, नो फालतू के ब्लॉटवेयर, एकदम क्लीन एक्सपीरियंस। Note 10S में आपको MIUI 12 दे रखा है, इसमें आपको ये थोड़े से ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाते हैं एंड एड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं और नोटिफिकेशन जो थोड़े से अनोइंग होते हैं। अगर आपको क्लीन चीज पसंद है तो Moto G31 आपको एक क्लीन एक्सपीरियंस देगा एंड इसमें जो ThinkShield की प्रोटेक्शन है ये एक सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट है। प्राइस में भी डिफरेंस है, पूरे के पूरे 2,000 रुपया का। अच्छा, G31 का जो बेस वेरिएंट है ये आपको 12,999 में मिलेगा। Note 10S का जो बेस वेरिएंट है 6GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ ये आपको 14,999 में मिलेगा। प्राइस में तो क्लियरली बाजी मार जाता है Moto G31। देखो ओवरऑल मोटोरोला से इस बार मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। 12999 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले, स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, बिग बैटरी लाइफ, गुड प्रोसेसर, फास्ट चार्जर और इन सब में सबसे बड़ी बात 12999 पे एक स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलना अच्छे अच्छे स्मार्टफोन को ये कंपटीशन दे रहा है। इसके लिए मोटोरोला को मेरी तरफ से क्लैपिंग। तो जो Note 10S है ये भी Xiaomi के तरफ से अंडर 15,000 रुपीज में काफी बढ़िया डिवाइस है विद गुड प्रोसेसर एंड नाइस डिजाइन। तो सिंपल मैं कहूँ अगर आपकी प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस, बेटर डिजाइन चाहिए और आपको MIUI पसंद है देन डेफिनेटली आप Note 10S को चेकआउट कर सकते हो, उसके साथ जा सकते हो, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बट अगर आपको कम प्राइस में एक बैलेंस फोन चाहिए, आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले चाहिए, 12999 में एक गुड कैमरा चाहिए, बिग बैटरी लाइफ चाहिए विद फास्ट चार्जर और सबसे बड़ी बात आपको एक क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए, बिना सोचे समझे आप Moto G31 के साथ जा सकते हैं। ये एक्चुअली में इस प्राइस पॉइंट पे एक्चुअली में बढ़िया फोन है। और जाते जाते कहना चाहूंगा कि मोटोरोला काफी जबरदस्त काम कर रहा है। 12999 में ये स्मार्टफोन को लॉन्च करके मोटोरोला अच्छे अच्छे ब्रांड को टक्कर दे रहा है। सो गुड जॉब मोटोरोला। बस बाकी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।